इनका मकान पूरी तरह से ढह जाए तभी तो मैं अपने माँ बाप का ब्रह्मभोज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जो हमारे माँ बाप को मारे हैं, मेरे भाई को गोली मारा है, उसका तो पहले मकान ढह जानी चाहिए। क्यों लगेगी अगर हमारे दादाजी का घर है ये तो कैसे लग जाएगी बताइए। और ये गलत तरीके से अगर नापी हो रही है तब तो बुलडोजर लगेगा ही ना हमारे घर पे। हमारे अंकल सब जानते हैं अगर उनके सामने नापी होगी और वो कह देंगे कि हाँ ये गलत है तो हम लोग भी मान लेंगे और हमारा घर गिरा दिया जाएगा। तो कैसे हम जवाब दे कि माँ बाप है, हमने तो यही कहा है कि हॉस्पिटल में माँ बाप। बोले भैया मम्मी पापा कहाँ है, बोले कि बाबू देखो मम्मी पापा तो अभी हॉस्पिटल में, इसीलिए मैं उसको प्रेशर इतना नहीं देना चाहता हूँ। इनकाउंटर के साथ नहीं हो जाता, उनका मकान नहीं ढह जाती तब तक मैं अपना ये सीखा नहीं मानूंगा। न्याय चाहते हैं, उन लोगों को न्याय मिल रहा है तो हम लोग भी न्याय चाहिए। देखिए कहना तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी 10 दिन हो गया ये घटना के घटना हुए, आज तक मेरा जो भी परिवार था तो खत्म हो गया, अभी तक कार्यवाही नहीं चल रही है, कार्यवाही के उसको पूर्ण संपूर्ण किया जाए। जो हमारे माँ बाप को मारे हैं, मेरे भाई को गोली मारा है, उसका तो पहले मकान ढह जानी चाहिए, इनका तो पहले मकान ढह है सब, इनका मकान पूरी तरह से ढह जाए तभी तो मैं अपने माँ बाप का ब्रह्मभोज करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। क्योंकि आज 10 दिन हो गया, 10 दिन से कोई कार्रवाई जब आश्वासन नहीं मिल रहा है। हम यही चाहते हैं कि बताइए वहाँ के प्रशासन के पास कोई, उन्हीं के प्रशासन के पास उनके परिवार के साथ होता तो क्या प्रशासन चुप बैठती है। आज मेरे तो दिल पे जो गुजर रहा है मैं ही जान रहा हूँ। और मैं कल गया था भी गोरखपुर अपने भाई से मिलने के लिए, मेरे भाई ने ऐसा सवाल किया कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कलेजा फट के हाथ में आ गया। मान लीजिए हमको उसको कैसे हम जवाब दें कि माँ बाप हैं, हमने तो यही कहा है कि हॉस्पिटल में है माँ बाप। बोले भैया मम्मी पापा कहाँ हैं, हम बोले कि बाबू देखो मम्मी पापा तो अभी हॉस्पिटल में है, इसीलिए मैं उसको प्रेशर इतना नहीं देना चाहता हूँ। मेरा यही प्रण है कि देखिए जब तक उनको सजा इनकाउंटर के तहत नहीं हो जाता, उनका मकान नहीं ढह जाती तब तक मैं अपना ये सीखा नहीं मानूंगा और मैं अपना ब्रह्मभोज नहीं करूँगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ और ये मेरी बात उत्तर प्रदेश श्री माननीय परम पूज्य योगी जी महाराज के पास पहुँचे और मेरे भावनाओं को समझें। यहाँ तक कि मेरे पास आंसू भी नहीं है कि मैं बाबा पाऊँ। क्या जानकारी मिली है आपको? हमें अभी पता चला कि नोटिस आई है, हमें घर खाली करना पड़ेगा। क्यों खाली करना है, क्या पूरी बात है? क्योंकि उन लोग को यही लगता है कि हमारा जो घर है वो सरकारी जमीन बना है। वो अब तक कहाँ थे, जब ये घर बना तब वो लोग कहाँ थे? जैसे मेरे पापा की डेथ हुई उन लोग लगता है अपने घर अपने वहाँ से उठ के सरकारी जमीन चला गया, ये कौन सी बात हुई? जब इस घर पे ईंट गिरा बनने की तैयारी हुई तो उस टाइम कहाँ थे ये लोग, उसमें आगे क्यों नहीं रोके? क्या चाहते हो? ये चाहते ना मेरा घर गिरे, उनकी ख्वाहिश यही है ना, तो क्या करेंगे? इस घर में है क्या, ईंट पत्थर है, उनको चाहिए ईंट पत्थर, हमसे ले पैसा ना जाए खरीद ईंट पत्थर, लेकिन मेरा घर क्यों गिराना चाहते हैं वो? हम ये चाहते हैं हमारा घर ना गिरा जाए, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है मेरे घर से? हम यादव इसलिए यादव ऐसे घर नहीं होता है, हम लोग झोपड़ी में रहेंगे, हम लोग सड़क में रहें कहाँ रहेंगे हम लोग? इनका मानना यह है कि आपका घर जो है खलियान और सरकारी भूमि बना है। कैसे ही बात कैसे पूर्व एक में घर जो है सरकारी में बना है, सरकारी जमीन बना है, पूरा कुछ दिखाया जाए। जो कल नापी हुई वो सिवान के पत्थर नापी, जब सिवान के पत्थर मिला है नापी, हम कैसे मान सकते हैं? नापी गलत मानती है। बिल्कुल नापी सही से की जाए तो हम मानेंगे। क्या नाम है आपका? अलका यादव।